हाय दोस्तों, टीना बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मशीन में बोबिन को बड़े ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा बोबिन और ये सेटल है। तो इसमें कैसे हम सेट करना है इस बोबिन को, अगर आप मशीन में जब भी आप बोबिन लगाते होंगे तो कई बार क्या होती है तो आप सही से कितने लोगों को बिठाने इसको नहीं आता है, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर आप बोबिन लगाते हैं तो मशीन जब आप ऑपरेट करते हैं यानी कि चलाते हैं तो आपकी मशीन की जो सुई है दोस्तों वो टूट जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे लगाएं अच्छे से, जो लगाने का तरीका है आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको बाहर लेना है। इस तरीके से आपका बोबिन इस तरीके से आपका रहेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको ये जो तो ये जो हमारा बोबिन है और ये बोबिन केस है, इस डब्बी बोला जाता है या बोबिन केस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले इसको इस तरीके से, सबसे पहले इसमें धागा भर लीजिए, उसके बाद इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस धागे को इस तरीके से बाहर खींचिएगा और यहां से ये जो आपको गड्ढा हल्का दिखाई दे रहा है यहां से कट जैसा इसमें लेंगे और फिर यहां से आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ये इसके अंदर से ले लेना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हल्का गड्ढा बना हुआ है इसको यहाँ से इस तरीके से आपको लेना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको इस तरीके से धागे को लेना है और इसमें से यहाँ से इसको आपको खींचना है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका जांचने का तरीका है, इस तरीके से अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये गिरना नहीं चाहिए नीचे की ओर। अगर आपका गिरता है तो यानी कि बहुत ज्यादा लूज है, आपको हल्का इसको टाइट कर लीजिए, ज्यादा भी नहीं करिए, जिससे कि आपको हल्का इस तरीके से धागा बाहर खींच के आना चाहिए, ज्यादा लूज और ना ज्यादा टाइट। तो चलिए अब इसको किस तरीके से सेट करते हैं मशीन के सेटल में, तो वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मशीन के पास। अब ये हमारा सेटल है। सेटल में इसको सेट करने के लिए क्या करना है, आपको मशीन के सीधी दिशा में इस तरीके से मशीन को आपको सबसे पहले रखना है, जैसे कि हमने मशीन को इस तरीके से आपको जो चाप का इस तरीके से आगे की तरफ और इस तरीके से हाथ को आपको लेना है और हाथ लेने के बाद इस तरीके से इसमें आप उंगली को इस तरीके से फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर की ओर इसको रखिए और यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और ये इस तरीके से इसको इसको अच्छे से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ बिठा लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको ये कट करके आवाज आएगा और इसमें अच्छे से बैठ जाएगा। ये अच्छे से बैठ जाएगा यानी कि अगर आप इसको चलाएंगे, जब आप मशीन को ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे टकराने की आवाज नहीं सुनाई देगी बल्कि स्मूथली आपकी मशीन चलेगी। तो आप समझ जाइए कि ये बोबिन अच्छे से इसमें फिट हो चुका है। तो यही तरीका है बोबिन से बोबिन को अच्छे से लगाने का सेटल में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाइएगा।